हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हिंदी कक्षा 10th के विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं 22 फरवरी से, उनके लिए जो महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्याएं हैं उन पर आधारित प्रश्न कितने नंबर के बोर्ड में पूछे जाते हैं और कौन सी व्याख्याएं आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और कैसे आंसर राइटिंग बोर्ड की कॉपी में करनी है, वो मैं सब आज आपको बताऊंगी। यूपी बोर्ड के 10th के विद्यार्थी, आपके जो टॉपिक्स लगे हुए हैं लेसन्स, उसमें जो राइटर लगे हुए हैं उनके नाम और जो लेसन है उनके नाम, और जो लेसन कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से किस लेसन से कितनी अधिक व्याख्याएं पूछी जाती हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आप लोग, जो आपकी व्याख्याएं हैं वो 6 नंबर में पूछी जाती हैं। 6 नंबर में कैसे, आपके जो व्याख्या सबसे ऊपर लिखी रहेगी बोर्ड के पेपर में आपकी, उसके नीचे आपके प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, इस हिसाब से आपके 3 प्रश्न 6 नंबर के हुए, तो आप गद्य खंड की व्याख्या से आपके 6 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। अगर व्याख्या आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उसको तैयार कर लेंगे, आपको पूरे 6 में 6 नंबर यूपी बोर्ड में प्राप्त होंगे। अब लेसन देख लीजिए, आपका पाठ मित्रता रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। दूसरा ममता, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्या लिखूं, इसके राइटर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और चौथा आपका है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति भी इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपका लिखा हुआ है, और पांचवा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये रामधारी सिंह दिनकर जो आपके राइटर हैं उन्होंने इसको लिखा हुआ है। आगे देखिए, आपके अगले जो राइटर आपके हैं अजंता, जो भगवत शरण उपाध्याय आपके हैं, वो इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला आपका है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये भी आपके खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने पहले राइटर आपको बताए हैं जिसमें रामचंद्र शुक्ल, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा ममता जयशंकर प्रसाद, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इम्पोर्टेंट है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको 7 लेसन की व्याख्याएं पढ़ाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, आप क्रम से इसको देखते जाएंगे और एक बार किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है पेपर में उसको भी आप लोग फॉलो करेंगे। आप व्याख्या देखेंगे यूपी बोर्ड में, ये व्याख्या जो मैंने आपकी ली है 13, 11, 9 और 5 में ही पूछी गई है, और भी कई साले आई हुई है पेपर में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट व्याख्या है जो मैंने आज उठाई है आप लोगों को समझाने के लिए। ये रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, उनके ये लिखा हुआ लेख है जिसमें उन्होंने मित्रता नामक पाठ पे व्याख्या की है। मित्रता में उन्होंने किस तरीके से हमें जो मित्र होते हैं उनके गुणदोषों को देखकर मित्रता परख कर करनी चाहिए, तो मित्रता के उन्होंने जो गुण हैं वो बताए हैं और जो दोष हैं वो बताए हैं, और मित्र की तुलना एक औषधि से करके उन्होंने बताया है। आइए देखते हैं उन्होंने किस तरीके से अपना लेख लिखा हुआ है। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से ऐसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्र पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, ठीक है। आगे अच्छे से अच्छी माता की सी धैर्य कोमलता होती है। आगे देखिए, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ये आपकी व्याख्या इतनी आपके ये 2013 और 11 और 9 और 5 में ये पूछी गई थी 6 नंबर में। अब देखिए ये मीन नीचे अंडरलाइन इसमें की हुई है, ये पेपर में इस तरीके से अंडरलाइन करके आपको दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा दिए गए गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो अंशों के नीचे रेखा या लाइन अंकित की गई है, उन लाइनों को आपको अपने शब्दों में उतारना है या उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। आइए हम व्याख्या देखते हैं और इनसे प्रश्न बोर्ड में किस तरीके से पूछे गए हैं और किस तरीके से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कहाँ कहाँ अंडरलाइन करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी।
पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2016 में पूछा गया है। तीसरा, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, ये भी 2016 में पूछा गया था। दो नंबर का प्रश्न ये हुआ, दो नंबर का प्रश्न ये हुआ और दो नंबर का प्रश्न ये हुआ। इस तरीके से ये 6 नंबर की व्याख्या आपकी टोटल पूछी जाती है। अगर आप दो प्रश्नों के आंसर करते हैं तो 4 नंबर की स्कोरिंग हुई, अगर आप तीनों प्रश्नों का आंसर करते हैं तो आपकी 6 नंबर की स्कोरिंग हुई, अगर आप एक नंबर का आंसर करते हैं, अगर एक प्रश्न का आंसर करते हैं तो आपकी 2 नंबर की स्कोरिंग हुई। इस तरीके से 6 नंबर की व्याख्या आपकी गद्यांश से और 6 नंबर की व्याख्या आपके पद्यांश से पूछी जाती है। आप जो पीछे प्रश्न हमने देखे हैं, पीछे हमने प्रश्न में व्याख्या भी देखी थी किस तरीके से पेपर में पूछी गई थी। अब देखिए पहले प्रश्न का आंसर हम कैसे लिखते हैं, क्या पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब होता है जिस पाठ से ये ली गई उस पाठ का नाम और जिस राइटर ने इसको लिखा हुआ है उस राइटर का नाम, वो लिखना होता है उसको हम कहते हैं संदर्भ। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता, ये पाठ मैंने बताया था कि आपके रामचंद्र शुक्ल ने ये मित्रता नामक लेख लिखा हुआ है, नामक पाठ से लिया गया है। अब संदर्भ इन्होंने पूछा है तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे इस तरीके से। हेडिंग के बाद यहाँ उत्तर फर्स्ट डाला मैंने, वो संदर्भ हेडिंग करने के बाद फिर हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित। अगर यही पद्य खंड से लिया गया था, दोहा होता, तो हम यहाँ पे डालते पद्य खंड। ठीक, अभी गद्य में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ डाला हम गद्य खंड। गद्य खंड में संकलित मित्रता, अब देखिए मित्रता पाठ का नाम है तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से शुरुआत में और एंड में क्लोज करके लिखेंगे, नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक, इतना लिखने में आपको कितने 2 नंबर की स्कोरिंग आप लोग करेंगे, ये संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप व्याख्या देख के पहचान लेते हैं कि मित्रता के बारे में कहा गया है और मित्र की अवगुणों की और गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई, तो आप समझ जाएंगे कि ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया आपका ये गद्यांश है। ठीक है, इस तरीके से पहचान के हमें आंसर राइटिंग करनी होती है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पीछे मैंने आपको बताया है रेखांकित अंश में जहाँ जहाँ जो कुछ लिखे हुए वाक्यांश है उनके नीचे एक लाइन खींची गई, जैसे ये है। ठीक है, इसको हम गाएंगे रेखांकित अंश। तो जहाँ जहाँ रेखा अंकित की गई है उसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी है। अब देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर, ये उत्तर दूसरा है आपका। ठीक है, उत्तर दूसरे का रेखांकित अंश की हम व्याख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब हम व्याख्या शुरू करते हैं तो जो राइटर ने जो कुछ बात कही है उस राइटर का नाम लिख देते हैं। आचार्य सुख जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। उन्होंने तुलना किससे की है, मैंने पीछे पैराग्राफ आपको दिखाया था, उन्होंने बताया था कि अच्छा मित्र एक अच्छी दवा के समान होता है। जिस तरीके से दवा या औषधि किसी भी रोगी के रोग का निदान कर देती है, उसी प्रकार एक अच्छा मित्र हमेशा कभी भी मुसीबत हो, ठीक है, या हम गलत रास्ते पर चल रहे हों तो सही रास्ते पर चलने के लिए वो हमें समझाए, ठीक है, और हर वक्त मुसीबत में हमारा साथ दे। इन बातों पे उन्होंने चर्चा की है, वही सब सारांश में हम लोग देखेंगे। अच्छा, शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पत्र में दवा के समान होता है, तो इसको आप अंडरलाइन दे सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक अच्छे मित्र की तुलना किससे की है, एक अच्छी दवा या अच्छी औषधि से की है। आगे देखिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों और बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। ठीक है, अच्छा मित्र वही है जो हमें हमारी गलतियां गिनवाए कि क्या आप में दोष है और आप में क्या गुण है, और हमारे विचारों को और संकल्पों को मजबूती प्रदान करें। ठीक, ऐसे ही आप सच्चे मित्रों की पहचान कर सकते हैं। यदि हम निराश व हताश हो जाएं तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगर हम कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है, या हताश हो जाते हैं, तो वो हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए बार बार, ठीक है, इनकरेज करता रहे, ठीक है, प्रोत्साहित करता रहे। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र एक कुशल वैद के समान होता है। वैद जो दवा करता है, ठीक है, वैद को हम डॉक्टर भी कह सकते हैं, वैद के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, ठीक है, नब्ज मतलब हाथ की जो नाड़ी होती है वो, नब्ज का पता लगा लेता है,
नब्ज देखकर ही रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हावभाव और लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। ठीक है, तो राइटर का कहने का क्या है यहाँ पे सारांश हुआ कि एक सच्चा जो मित्र होगा वो हर वक्त जब हम हतोत्साहित होंगे या उदास होंगे तो हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करेगा और हमें प्रोत्साहित करेगा। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर उसका इलाज करके उसको ठीक कर देता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी, ठीक है, हमें हर बुरे वक्त में हमारा साथ देने का प्रयास करेगा। और एक व्यक्ति मित्र की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ उसके हावभाव और लक्षण को देखकर ही पहचान लेता है। ठीक है, उनके कहने का तात्पर्य जब भी हम किसी से दोस्ती करें तो उससे प्रभावित होकर ना करें बल्कि उसके गुण दोषों को परखें, जांचें, तब उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आगे देखिए, ये इन्होंने इस तरीके से व्याख्या जो की है उसकी आंसर राइटिंग मैंने बताई है आपको किस तरीके से करना है। और देखो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट वाक्य है तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन दे सकते हैं जिससे आपको अच्छे नंबर आसानी से प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि तुलना किससे की है, दवा से की है, तो दवा का जो हमने यहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है उसका आंसर इस तरीके से अंडरलाइन करके दिया है जिससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ फैक्ट जो पूछा गया है उसके बारे में चर्चा इन्होंने की है। आगे देखिए, अतः शुक्ल जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से करेंगे, उसके लक्षण और गुणदोषों को देखकर, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। ठीक है, शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे वैद्य की परख तथा एक अच्छी माँ जैसा धैर्य और कोमलता माँ में होती है, वैसी ही धैर्य और कोमलता और वैद्य की परख एक सच्चे मित्र में होनी चाहिए। अगर इस तरीके की परख मनुष्य कर लेता है तो वो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करता जाएगा। अब तीसरे प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि मित्रता पाठ के आधार पर लेखक ने किसकी तुलना मित्र से की है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, तो तीसरे प्रश्न का आंसर ये है, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। ठीक, औषधि मतलब दवा, तो तुलना किससे करके इसमें दिखाया गया, एक अच्छे मित्र की तुलना एक अच्छी औषधि से की गई। तो इसको देखो लिखने के बाद आप इस तरीके से अंडरलाइन देंगे। ठीक है, तो ये आंसर यहीं तक हो गया आपका। अब आगे, जिस प्रकार अच्छी दवा रोगी का रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों या दुर्गुण रूपी रोगों से, दुर्गुण रूपी जो बुराइयां होती हैं, ठीक है, दुर्गुण का मतलब होता है बुराइयां, ठीक है, दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक, अगर इतना भी आप लिख देंगे तो भी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, और अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देंगे तो और भी बेटर है। जिस प्रकार अच्छी दवा रोगी का रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार अगर एक विश्वासपात्र मित्र हमारी जिंदगी में आ जाता है तो जो भी हमें बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का वो पूरा पूरा प्रयास करता है। आई होप मैंने आपको मित्रता नामक पाठ पे जो लेख रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है उसकी व्याख्या ये इम्पोर्टेंट थी, तो किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, और 2 नंबर के किस तरीके से प्रश्न आपके 3 पूछे गए हैं, और 6 नंबर की स्कोरिंग व्याख्या वाला प्रश्न आपका करता है, मैंने आपको बताया है, और कितने लेसन आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं हिंदी में, और कितने के जीवन परिचय आपको याद करने, जितने राइटर हैं उतने जीवन परिचय आपको याद करने हैं, और जितने उनके पाठ लगे हुए आएंगे उन पाठों की व्याख्या तैयार करें। तो आज मैंने आपने आपको व्याख्या के बारे में बताया कि जो 4 लेसन आपके हैं उनकी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, अगर आप 4 लेसन से व्याख्या तैयार कर लोगे तो आपके 6 नंबर की स्कोरिंग पक्की हो जाएगी। आप इसके जो राइटर हैं आपके, राइटर कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के लिए, इसको फिनिश कराने के बाद जो व्याख्या है मैं जीवन परिचय के लिए वीडियो लेकर आऊंगी, फिर आपको उसमें मैं जीवन परिचय कितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगी, कितने नंबर का जीवन परिचय आपका आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।